लेकिन अब तुम हमेशा मेरे पास ही रहोगे, मेरे साथ वक्त बिताए करोगे। ओके प्लीज 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 लेटी रहो, उठने की जरूरत नहीं। ये मुझे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है, क्या हुआ है मुझे? विराट जल्दी से मेरा डिस्चार्ज करा दो, मुझे घर जाना है, मुझे वीनू के साथ वक्त बिताना है। चलो घर जल्दी जल्दी से। नहीं पाखी, तुम अभी घर नहीं जा सकती, कुछ दिन तुम्हें और हॉस्पिटल में रहना होगा रिकवरी के लिए। कैसी रिकवरी और क्या हुआ है मुझे? मैं ठीक ही तो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मेरे पेट में दर्द काफी बढ़ गया था शायद, अंदरूनी टांके खुल गए होंगे, यही हुआ होगा ना? सही, अभी तो मैं ठीक हूँ, अभी हॉस्पिटल में रुकने की क्या जरूरत है? चलो घर चलते हैं, अभी जल्दी से घर चलते हैं। पाखी प्लीज, पाखी पाखी प्लीज। वीनु बड़ा, तुम हरिनी ताई के साथ कैंटीन में जाओ, कुछ खा लो, भूख लगी होगी ना, जाओ। हरिनी प्लीज। वीनू को ऐसे बाहर क्यों भेज दिया तुमने? और मुझे क्या हुआ है, कोई कोई बताओ तो मुझे। सबकी शक्ल ऐसे क्यों उतरी हुई है, क्या हुआ है मुझे? क्या हुआ है भाई? आप अचानक बाहर क्यों आ गई? डर सा लग रहा है सोनाली। इतना लिखा जो उसे पता चल जाएगा कि वो कभी माँ नहीं बन सकती तो टूट के बिखर जाएगी। मैं नहीं संभाल पाऊंगी उसे, मैं नहीं देख सकती उसे ऐसे डूबता। खुद को संभालिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे कोई बताओ तो मुझे, हुआ क्या है? बाकी प्लीज, बाकी तुम्हारी हालत बहुत खराब थी, जान को भी खतरा था, और तुम्हारी जान बचाने के लिए एक और सर्जरी करनी पड़ी थी। हाँ तो क्या हुआ सर्जरी में? तुम्हारा बाकी यूट्रस गर्भाशय निकाल दिया गया है। मैं कभी मां नहीं बन सकती। ये क्या किया आप लोगों ने? हम लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये क्यों किया आपने? आप लोगों ने हमेशा हमेशा के लिए मेरी खोक सुनी कर दी। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? बाकी प्लीज शांत। आपके गर्भाशय में बहुत इन्फेक्शन फैली और इंटरनल ब्लीडिंग भी बहुत हो रही थी, और कोई चारा नहीं था। अगर ऐसा नहीं करते तो आपकी जान भी जा सकती थी। हमें ये मुश्किल फैसला लेना ही पड़ा, और कोई ऑप्शन नहीं था। हम मतलब और कौन कौन शामिल था इसमें? कौन
कौन शामिल था इसमें? ताहिम, तुमने मेरा गर्भाशय निकाला, तुमने मुझसे मां बनने का हक छीन लिया। सही, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सही, तुम्हें ये इजाजत किसने दी? मैंने दी इजाजत। सही और पुलकित को ऐसा करने की इजाजत मैंने दी है। आखिर तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे मां बनने के सपने में मुझे एक को चुनना था, तो मैंने तुम्हारी जिंदगी चुनी। तुमने मुझे जीते जी मार दिया। आखिर क्या कह रही हो? तुमने जिंदगी के उपहार में मुझे मौत से भी बुरा तोहफा दिया है विराट। तुम मेरे शरीर का हिस्सा कैसे निकाल सकते हो? ये मेरा शरीर है, मेरा हक है इसमें। कैसे कर सकते हो तुम? बाकी प्लीज मेरी बात सुनो, तुम बेहोश थी, मुझे उस वक्त जो सही लगा मैंने वही किया है। मुझे तुमसे पूछने का मौका ही नहीं मिला। अब मुझे मौका नहीं मिलेगा, मुझे ऐसा कोई मौका नहीं मिलेगा विराट। मैं हमारे बच्चे को इस दुनिया में नहीं ला पाऊंगी। हमारा अपना परिवार कैसे होगा? तुम ये मेरे साथ कैसे कर सकते हो विराट? तुम्हें एहसास नहीं है तुमने क्या किया है? तुमने ऐसा क्यों किया? सच्चा मुझे मर जाने दिया तो मुझे क्यों बचाया? मुझे मर जाने दिया। शांत हो जा।